कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी सावन है कभी पतझड़ है, ये आता जाता मौसम है। सही कहा ना दोस्तों? नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा होता है कि गा लो, अपने आप को बहला लो। लेकिन हकीकत ये है कि जब दर्द होता है कोई अपना चाहिए होता है जिससे अपनी बातें बताओ, कहो, वो किसी से कहे ना, समझे फीलिंग को, है ना? ऐसा मुझे लगता है, वैसे हमको लगता है सबको ऐसा ही फील होता होगा। और पता है, मेरा ये मानना है कि दुख में सभी लोग भले साथ छोड़ दें, लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। मन करता है कि माँ हो, उसके कंधे से रख के रोए, कहें, बताएं, है ना? लेकिन मैं तो इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ कि जो मैं ये सपना अपना पूरा कर सकूं। हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं, कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाइएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माँ बाप का दिल दुखाता है वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, खुश नहीं रहता है। क्षणिक मात्र खुशियाँ आती हैं तो लगता है कि हमारे जितना भाग्यवान खुशहाल तो कोई है ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है ना कि माँ बाप का जब दिल दुखाते हैं तो बाद में बहुत तकलीफें होती हैं, तो वो गुनाह हमको जीने नहीं देता है जो हमने कभी उनका दिल दुखा के किया होता है। तो हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग ऐसी गलती ना करिए। बाकी सभी लोग खुदा समझदार हैं। ये देख, यही सब मेरे जीने का सहारा, इन्हीं सबको देख के अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। हाँ, जिंदगी इम्तहान बहुत लेती है, बहुत लेती है। जैसे लगता है कभी हम उस इम्तहान से निकल पाएंगे कि नहीं। लेकिन कहते हैं कि सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, तो हो सकता है आज दुख है तो कल सुख हो। अरे अरे, गिर जाओगे। आज़ा। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? भगवान करें सभी लोग अच्छे हों। और ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि कभी कोई अपने माँ बाप से, अपने मायके से दूर ना हो, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो सबसे पहले माँ याद आती है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो जो अपनी माँ से अपनी बात को बता सकते हैं। खैर, बताऊंगी धीरे धीरे। आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग मिल गए तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक मेरा परिवार मिल गया। सो प्लीज़ अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ ही बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्ते, मिलते हैं कल।